हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आया हूँ दादर स्टेशन के पास। मरीन जू है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मरीन एक्वा जू, ठीक है। ये देखिए मरीन एक्वा जू। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, कुछ जानवर वानवर है, देखते हैं। और कहते हैं इनको आप टच भी कर सकते हो, तो उसके कुछ चार्जेस हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और पता करते हैं क्या है सीन आगे का। मैंने मतलब यूट्यूब पर देखा था, कोई गया था, तो मैं कहा चलो आप विजिट करते रहे। ये बाहर से इसकी एंट्रेंस है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार यहाँ से देख लो, दादर स्टेशन है। दादर स्टेशन से आपको आना है और वहाँ से आपको लोकल टैक्सी चार्ज करेगा 40 रुपीज़, ठीक है। मतलब मीटर के हिसाब से मेरे को 40 रुपीज़ चार्ज हुआ है। और फिर हम यहाँ पे आएंगे इधर अंदर, ठीक है। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये बच्चे आए हैं यहाँ पे, इनसे पहले फ़ोटो क्लिक कराई थी। मैंने कहा था मैं आपके भी करते तो, और बदले में मेरी करता है। तो ये नर्सरी है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, आपको अगर लेना हो जो भी यहाँ पे आसपास रहता है दादर के। और यहाँ पे पौधे वगैरह भी हैं, देखिए ठीक है, नर्सरी है, तो आप यहाँ पे पौधे भी खरीद सकते हो अगर आपको खरीदना हो। भी टिकट वगैरह कहाँ से मिलेगी, अंदर से? तो फ्रेंड्स चलते हैं भैया अंदर और टिकट वगैरह का प्राइस पता करते हैं क्या चीज़ है क्या है। और ये देखिए है, चलो पहले दो शॉप पर फोटोज क्लिक करवा लेता हूँ, फिर चलेंगे अंदर, फिर आपको पूरा अपडेट दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अंदर एंटर करने के लिए। और 20 रुपीज़ है इसकी एंट्री फीस, और मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। बाकी अंदर वो कह रहे पहले आप देख लो, अगर आपको टच करना होगा तो उसके 100 रुपये अलग से चार्ज है और आपके साथ वो रहेंगे गाइड, ठीक है। तो मैं आपको पहले टिकट दिखाता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स इसकी टिकट, और इसके जो चार्ज हैं 20 रुपीज़ है, सिर्फ ये एंट्री फीस है, ठीक है। और बाकी अगर आपको एनिमल को अंदर जो बर्ड्स वगैरह जो भी है उसको आपको टच करना है तो उसके आपको अलग से चार्जेस है, ठीक है। चार हज़ार का है वो। तो चलिए फ्रेंड्स हम अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये आई गेस ये डक वगैरह है। वाह, तो उसको टच करने की भी आपको बोल रहे हैं, उसके अलग से चार्ज है। ये इनका डर ही लगता है डक वगैरह के, ठीक है। ये देखिए, ओह ये देखिए अंदर, ये स्नेक है भैया, इसको कहते हैं टच भी कर सकते भैया। और भैया कौन करेगा, चलिए अंदर देखते हैं। अरे वो छोटा सा है, मतलब क्या, मैंने तो और भी देखा था। ये देखो, तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूँ और मैं इन सबको ये टच करूँ। मैंने कुछ अगर कुछ और आगे भी होगा तो मैं ज़रूर देखूँगा आगे, बट इतने के लिए मैं भैया 100 रुपीज़ थोड़ी ना दूंगा मैं। वाह, अच्छा वो रहा यार, क्या कहते हैं इतना तो होता है, बस एक ही है छोटा सा, हद है यार, इतना सा छोटा सा है। ये देखो कैसे रखा हुआ, साफ सफाई भी नहीं करी हुई है इन्होंने, हद है यार। क्यों ऐसे क्यों, पहले 100 में सब, अभी मैंने तो फ्री रखा था, पर हमारा सब चोरी हो गया, सब न्यूज़ के आर्टिकल से। ओहो अच्छा, तो जैसे कि वो बता रहे हैं इनका सब चोरी के, पहले तो सब फ्री था। और ये देखिए इसे, हेलो, इसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। हेलो हाय, ये देखिए। तो ठीक है, वो बोल रहे हैं 100 रुपीज़ सिर्फ एक, मतलब किसी को भी टच करने के। भैया 100 रुपीज़ में पागल हूँ मैं, 100 रुपीज़ मतलब एक भी जानवर, मुझे लगा पूरा सब होगा तो भैया चल भी जाता, बट एक को टच करने के लिए मैं 100 रुपीज़ को वेस्ट करूँ। चलो ठीक है, बट था मैंने कहा यहाँ पे आके देखते हैं। सर फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये मुझे बुला रहा है, कह रहा है मुझे यहाँ से निकाला है यार। ओ भैया ये देखो, ये क्या खा रहा है मेरे, और छोड़ पेप को छोड़ तो भी, ये देखो
बड़ा तेज है ये, बहुत चलाक है ये। ये देखो मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे बुला रहे हैं और इसने यहाँ पे ये खाली शर्ट है, अब दिखाता हूँ मैं आपको, रुको फ्रेंड। ये देखो भाई साहब, ओह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो पुरानी शर्ट थी भाई अपनी, क्या कहते हैं 2019 के कपड़े डाल रहा हूँ मैं तो बस ठीक है। अच्छा मतलब ज़्यादा इधर कुछ है नहीं ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मतलब अगर आपको यहाँ पे रास्ते में दिख रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर आ सकते हो, बट स्पेशल विजिट करने के लिए तो मतलब नहीं बनी है ये जगह, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब प्लीज़ ठीक है सोच समझ के आना, अगर आप यहाँ से आस पास से निकल रहे हो ऐसे गेड़ी मार रहे हो तो आप आ सकते हो। चलिए देखो यहाँ पे सब आए हैं, सब फोटोग्राफ क्लिक करवा रहे हैं, स्कूल के कॉलेज गोइंग बच्चे ऑलमोस्ट। ये देखो तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे नाम नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज़ बताना, डर ही लगता है। कुछ डिजर्ट टाइप होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पता है कुछ? ओ अच्छा, इसमें लिखा भी नहीं है ना बाहर है ना। ओ ये देखो ड्रैगन, इसमें क्या नाम दिया है, ओ फ्रेंड्स ये खरगोश वगैरह है और इधर भी है यार। चलो ठीक है यार, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये सब बच्चे यहाँ पे आए हैं और बस, और इधर आगे देखते हैं, इधर आगे क्या है। एक तो ये इसने फाड़ दी शॉर्ट, मुझे इसका बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी घर जा रहा था। ये देखो ये क्या है, डक है क्या, डक की होगी ये, क्या है ये, मुर्गी मुर्गी तो नहीं लग रही। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता चले कौन है क्या है ये तो प्लीज़ ज़रूर बताना, मुझे तो पता ही नहीं है, ये भी इधर भी है, सुन 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 लग रहे हैं। और इधर देखते हैं इधर क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है मतलब अगर आप आसपास हो उस जगह के तो प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करना, वैसे स्पेशल आने की ज़रूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है। मैंने तो वेब कॉपी कर दी है पर ठीक है यार, अच्छा है ऐसा भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए चीज़ें। बट कितना गंदा पानी है ये देखो यार, कैसे है मतलब बेचारे, मतलब ऐसे तो मर ही जाएंगे ये यार। एनीवे क्या कर सकते हैं। तो ये अभी सब यहाँ पे कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं इधर, पर वो छोटा सा बना हुआ एरिया वो है ना। अब जैसे हम होता है, हमें वीडियो में बहुत बड़ी चीज़ लगती है, मैंने भी मतलब जैसे वीडियो में देखा था तो लगा था बहुत सारी मतलब चीज़ है ऐसे बड़ा सा है ये वो, जब आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो ना तो तब पता चलता है। तो आपको भी प्लीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए हर चीज़ का, मतलब ठीक है लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है अगर आपको उसका एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर करिए, अगर वो चीज़ अच्छी है तो, मतलब बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस मत कर रहा, अच्छी चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे, बस आगे तो कुछ खास तो है नहीं उधर, पूरा वो टोटा हिस्सा मैंने आपको दिखा दिया, ये पता नहीं इधर क्या है इधर, और ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए ये कौन से बर्ड्स हैं मालूम ही नहीं, खेल लो भैया खेल लो। और अभी वो यही बता रहे थे कि क्या कहते हैं कि हमारा न्यूज़ में मतलब क्या कहते हैं पेपर में आर्टिकल भी आया था कि पहले ये फ्री में टच करने देते थे, फिर क्या होता है ये भाग गए या चोरी हो गया ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, आपने वीडियो में सुना होगा। तो ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, और एक एक किसी को भी टच करने के आपके 100 रुपीज़ है कौन देगा 100 रुपीज़। ये देखिए इससे मिलिए, ये इससे नहीं मिलेगा ना, सही है। इनके इसके पैर में वो बांध लगा रखा है क्या कहते हैं अपना ये कुछ
रिंग सी आई गेस, तो इसलिए होता है कि शायद ज़्यादा उड़े ना, व्हाट आई बिलीव, मुझे तो यही लगता है। बता रहे ये देखो कैसे खा रहे हैं, एक अच्छे से कैसे कैप्चर करूँ मुझे पता नहीं है, बीच में ये आ रहे हैं अपने शक्ल्स इधर, सही है। ये देखो आप ध्यान से देख लो उसको खाते हुए, इसने जो किया है ना, ये चलाकी जो इसने किया है ना, इस कमीने इंसान ने। हाँ क्या बात है, है तूने ये क्या किया, ये क्या किया, ये जो फाड़ दिए शॉर्ट है, क्या किया, बुला रहा था, मुझे लगा बुला रहा है, लेकिन उसको खानी थी शर्ट, धोखेबाज दगाबाज है। क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, क्या है ये, वाह तमीज इंसान। फ्रेंड्स देखो ना वो शॉर्ट ऐसे ही, मतलब क्या ही बोले ये कह रही है, मजाक कर रहा हुआ है, बट ये इनको यहाँ पे ना मतलब साफ सफाई रखनी चाहिए, वो देखो ये साफ सफाई नहीं है। अरे ऐसे तो वो मर जाएंगे, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। तो चलिए जाते जाते आपको एक बार थोड़ा सा और दर्शन करवा देते हैं। अच्छा इसको भी पकड़ने के लिए, पीछे, वो पीछे, पीछे वाले को, अच्छा लिजर्ड को पकड़ने के लिए इसको भी 100 है, इसको पकड़ने के लिए 200। भैया वहाँ रास्ते में नाग वाले घूम रहे थे, उन्हीं से पकड़ लेंगे भैया, उनका नहीं 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 वो मुझे मालूम है, वैसे बात करूँ ये बहुत पहले वो बोल रहे थे कि फ्री में आप करवाते थे, पहले करवाते थे चोरी के पहले, चोरी के पहले हमारे को नुकसान होने के पहले, चोरी कैसे हुआ। तो फ्रेंड मैंने उनको बोला मुझे एक पकड़वा दो, अपने फोटो खिंचवा दिया, वो कोशिश कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं वो। और ये देखो ये इसका नाम मुझे मालूम नहीं क्या है, चीज़ है क्या है ये, टर्की है वो। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैंने ये पकड़ा है, मुझे कहने पे क्या नाम है इसका, गीज गीज, और उसका नाम बादल रखे हम लोग। अरे वाह कितना प्यारा है। अच्छा एक मिनट, इससे ना आप फोटो भी, हाँ हाँ वो मालूम है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने अभी क्या कहते हैं उनको रिक्वेस्ट करी है, और बिना कॉस्ट के पकड़ा, लेकिन पकड़ने के इसके चार्जेस हैं, और नहीं इसके नहीं, इसके नहीं है, इसके पकड़ने के चार्जेस नहीं है। अच्छा वो सब जो चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको अभी दिखाया था, लिजर्ड वगैरह, वो सब पकड़ने के चार्जेस है, इसको पकड़ने के कोई चार्जेस नहीं है। तो जैसा वो है पता, 100 rupees किसके बनाए थे अपने, स्नेक के और टैगो के और इक्वाना के, ठीक है चलो सही है। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, और ये है दादर स्टेशन के पास, ठीक है। और इसकी जो टिकट है आपको मैंने बताया 20 rupees है एंट्री फीस, और अगर आपको टच करना है वो लिजर्ड वगैरह जो भी स्नैक वगैरह, यहाँ पे आके उनसे प्राइस पता कर लेना, किसी के 100 है किसी के 200 है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भैया, मिलते हैं आपसे बाद में। बादल, बादल उसका नाम था, थैंक यू सो मच। और ये देखो उन्होंने मेरी रील बना दी, रील भी बनाई मैंने एक मिनट की फ्रेंड्स। तो चलिए ठीक है, मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये, तो अच्छा है मतलब ठीक है, बट वही चीज़ है मैं आपको दोबारा बोलूँगा कि स्पेशल लाने का नहीं है। और ये देखो अच्छे, अरे भैया अच्छे से काटना रहता है, कभी का काट दिया, कभी का काट दिया होता है, हाँ तुम क्या अलग ब्रीड हो, अच्छे से पकड़ो ना उसको भैया, 100 rupees दिए आपने और क्या सही है यार, फोकस आ गया इसका सही है सही है, ठीक है थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी हम आए थे चाइनीज टर्टल्स, हाँ तो आप इसके बारे में क्या बता रहे थे कि ये इस, अगर आपको काट ले तो क्या होगा, हाथ पे मांस निकल लेते हैं, हाँ ये फ्रेंड्स जी मास्क निकाल लेते हैं ये, क्योंकि उसका तो मुंह ही नहीं है, मास्क क्या निकालेगा ये अच्छा ये चाइनीज है, बाहर काउंटर पे जीपे कर रहे ना, जीपे, हाँ ठीक ले लो दोनों, फिर मैं कर एक ही बार, तुझे आप लोग कैसे पकड़ते हो उसको, कितने हार्मफुल नहीं है ये, मुंह के पास अपन कोई भी टर्टल को हाथ नहीं दे सकते ना, अच्छा हार्मफुल कोई भी एनिमल नहीं है, मैं क्या पकड़ूं, क्या टच करूं, पकड़ूं अच्छा, तो छुड़ा लेगा अपने आप, हाँ ठीक है फिर पकड़ लिया बस, चलो ये वाला दिखा दो, दूसरे वाला,
वो तो पकड़ सकता हूँ मैं। तो फ्रेंड मैंने उसको टच किया, वो पहले उधर डर लग रहा है, जब उन्हें बताया कि चमड़ी उधेड़ लेगा तो भैया क्या, अच्छा हाँ ये पकड़ता है, ये पब्लिक लाके दे देती है, छोड़ देता है ये सब, अरे सही, कोई पाल नहीं सकता, ये वो रहता है ना वही। तो फ्रेंड्स मैंने ये इसको फर्स्ट टाइम ऐसे लाइफ में टच किया तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैवी है। तो थैंक यू सो मच भैया आपने मुझे टच कराया है, और मैं आपको इंस्टा में टैग कर दूंगा उसको, ठीक है। और ये लीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये टच कर सकते थे उसको, वो चमड़ी उधेर लेगा उधेड़। इसने क्या किया ये महाराज, ये इसने मुझे बुलाया धीरे धीरे, और इसके बाद ये इसने यहाँ पे शर्ट फाड़ दी। मैंने कहा मुझे प्यार करने के लिए बुला रहा है, बाद में पता चले भी मेरी शर्ट उसने फाड़ दी है। चलो ठीक है, अच्छा इंस्टा में क्या आईडिया आप लोगों का, यही है मरीन एक्वा जू भी है, मरीन एक्वा जू भी आई था, ठीक है मरीन एक्वा जू करेंगे ना उसी में पता चलेगा, ठीक है थैंक यू सो मच। चलो भैया जा रहे हैं, बाय बाय टाटा टेक केयर, तुझे तो याद रखूंगा तूने ये शर्ट, अरे इसने शर्ट फाड़ दी है यार मेरी। तो फ्रेंड्स जाते जाते एक बार फिर देख लो, इसको पकड़ने के लिए 200 रुपये हैं, मैं नहीं दे रहा 200 रुपये इसको पकड़ने के लिए। ओ हो भैया कहाँ जाना है तुझे, सच में लिजर्ड है, देखो भैया कैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, अरे दे 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 दे। गिरा गिरा गिरा, डर ही लगता भैया कैसे जीभ निकाल रहा है, फिर से कोशिश, हार नहीं माननी है जिंदगी में, आगे बढ़ते जाना है। तो इनसे भी मिलते जाइए फ्रेंड, ये देखिए आवाज़ निकाल रहा है। तो इनका नाम बताना मुझे, ठीक है क्या नाम है इनका, वो तो खैर गूगल मैप भी कर लूँगा, लेकिन अच्छा लगता ना अगर कोई आपको बताए आपके कमेंट सेक्शन में, बट कोई बताता नहीं है, देखो वो ये बोल रहे कभी बताता नहीं है, कोई सही बात है। सही है, फ्रेंड्स यहाँ पे अंदर है एक्वेरियम, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो, ये देखिए इधर फिश है छोटी छोटी, अच्छी लग रही है। इधर क्या है, अरे भाई साहब इसको लग से रखो यहाँ पे, क्या मतलब क्या मिलता है, अच्छा। और इधर ये देखिए सही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोजअप से मैं आपको एकदम दिखा रहा हूँ, वाओ कितना सही है, कैसे मतलब लग रहा है चमड़ी टाइप एकदम है, वाह ये देखिए, ठीक है और क्या ही फोटो सेशन करें इसका। बाकी ये है यहाँ पे, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए फ्रेंड्स इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना,
थैंक यू सो मच जिसने किया और जो आगे करेगा उसको एडवांस में थैंक यू। तो अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे मतलब दो दो लोगों को मैंने टच किया, दो दो, एक टोटो ऐसा और एक वो डक टाइप कुछ वहाँ पे वो था, डेजी डेजी ऐसे कुछ का था, ऐसे था। तो एनी वे मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं करता हूँ फाइनल साइन ऑफ, बाय।